आणि मालेगावकरांना मिनी पाकिस्तान म्हणून होण्यापासून अगर आम्ही थांबवण्याची आमची तयारी असेल तर ह्याच्यावर त्या माजी आमदार आशिष शेखनी काही दखल घेता कामा नये. तो माजी आमदार आहे की पाकिस्तान एजंट आहे हे आता विचारण्याची वेळ आलेली आहे. मी कशाला माफी मागू, मी काय चुकीचं बोललोच नाही आहे. जिथे पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे दिले जात असतील तर तिथे पाकिस्तानच म्हणणार ना. महाराष्ट्रामध्ये इथे भारताचा जय जयकार केला जातो, पाकिस्तानचा जय जयकार केला जात नाही. म्हणून माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही. जे काय मी कायदेशीर किंवा त्याने जे काय उत्तर देतो उत्तर दे. अब तक न्यूज चैनल. आइए दर्शकों एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज पर. नाज़रीन वैसे हम आपको कंटिन्यू जिस दिन से महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा और सरकार में आज बैठे हुए एक एमएलए नितेश राणे ने जब से मालेगांव शहर को मिनी पाकिस्तान के खिताब से नवाजा है तब से मालेगांव शहर की सियासत भी गर्मा गई है. तो सियासत के साथ साथ सामाजिक और अलग अलग फील्ड पर काम करने वाले लोग इस बात का निषेध करने लगे कि नितेश राणे का दिया हुआ ये बयान बे इंतहाई वाहियात और निषेध के लायक है. जिसमें कई लोगों से हमने उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, जो खुद एक हिंदू समाज से जिनका ताल्लुक है उनसे भी हमने मुलाकात की, उनकी प्रतिक्रिया ली, जिसमें उन्होंने स्पष्ट नीतीश राणे के इस स्टेटमेंट का निषेध करते हुए नीतीश राणे को भी कई बेउदा और वाहियात शब्दों से खिताब दिया. लेकिन आज हम बात करेंगे कि कल मालेगांव शहर कोर्ट से मालेगांव शहर की एक लेडी नेता जो समाजवादी पार्टी से जिसका ताल्लुक है, शान हिंद ने एक नोटिस जारी करते हुए नीतीश राणे को ये आह्वान किया था कि मालेगांवकरों से आपको माफी मांगनी होगी वरना आप पर गुना दाखिल किया जाएगा और कोर्ट में खसीदा जाएगा. तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माजी आमदार आसिफ शेख रशीद ने भी नितेश राणे को एक नोटिस भेजा था जो अजीम खान के जरिए भेजा गया था, जो नेशनल मीडिया की खबरों में छाया रहा, जिसके लिए उन्होंने भी नितेश राणे से ये कहा था कि अगर मालेगांवकर से आप माफी नहीं मांगते हैं तो आप पर गुना दाखिल किया जाएगा. 7 दिन का समय नितेश राणे को दिया गया था. कल ही ये नोटिस जारी हुआ और कल ही मालेगांव कोर्ट में दोनों नेताओं ने अपना अपना स्टेटमेंट दिया. तो आज उसके जवाब में नितेश राणे ने भी पत्रकार परिषद बुलाई. पत्रकार परिषद में पत्रकार के पूछे गए सवाल पर कि मालेगांव शहर के दो लोगों की ओर से आपको माफी मांगने के लिए कहा गया है, अगर आप माफी नहीं मांगते हैं तो आपको कोर्ट में घसीटा जाएगा, इसके जवाब में नितेश राणे ने क्या कहा. मालेगावला मिनी पाकिस्तान म्हटल्यामुळे आपल्याला नोटीस पाठवण्याची चर्चा आहे. 7 दिवसाच्या आज जर मालेगावकरांची माफी मागितली नाही तर कोर्टात खटला दाखल करण्याचा राष्ट्रवादीचे माजी आमदार आशिष शेख आणि समाजवादीच्या नेत्या शाने हिंदे यांनी सांगितलं. म्हणून मी सुरुवातीलाच सांगितलं मालेगावला मिनी पाकिस्तान म्हणण्याची काही जी कारणं त्याचे पुरावे मी तुम्हाला आज पत्रकार परिषदेमध्ये दिलेले आहेत. ज्या आमच्या मालेगाव शहरामध्ये अगर पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे दिले जात असतील तिथे अन्य जिहादी लोकांचा कारभार लँड जिहाद आणि लव जिहादच्या निमित्ताने मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढला असेल, तिथे राष्ट्रवाद कमी आणि पाकिस्तानचा गवगवा जास्त, अगर अशा घटना अगर वाढत जात असतील आणि मालेगावकरांना मिनी पाकिस्तान म्हणून होण्यापासून अगर आम्ही थांबवण्याची आमची तयारी असेल तर ह्याच्यावर त्या माजी आमदार आसिफ शेखनी काही दखल घेता कामा नये. तो माजी आमदार आहे की पाकिस्तान एजंट आहे हे आता विचारण्याची वेळ आलेली आहे. म्हणून जी काय नोटीस आलेली आहे ती कायदेशीर आम्ही उत्तर देऊ ना. मला काय, मी काय चुकीचं बोललेलो नाही, मी मालेगावकरांच्या हिताचंच बोललेलो आहे. आज आमच्या देवेंद्र फडणवीसजींमुळे बीजी शेखरांमुळे तिथे 300 कोटीपेक्षा जास्त झालेल्या वीज चोरीची रिकव्हरी सुरू झालेली आहे. जो जनतेचा पैसा आहे, जो सरकारचा पैसा आहे, म्हणून ह्यांच्या डाळ्या कुरवळल्यामुळे ह्यांच्या योग्य झुंगण्याखाली मिरची लागल्यामुळे आता ही तडफड चालू आहे. त्या तडफडीला मी जास्त दखल घेत नाही. मी कशाला माफी मागू, मी काय चुकीचं बोललोच नाहीये. जिथे पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे दिले जात असतील तर तिथे पाकिस्तानच म्हणणार ना. महाराष्ट्रामध्ये इथे भारताचा जय जयकार केला जातो, पाकिस्तानचा जय जयकार केला जात नाही. म्हणून माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही. जे काय मी कायदेशीर किंवा त्याला जे काय उत्तर देतो उत्तर दे.
तो दर्शकों आपने सुना कि नीतीश राणे ने क्या कहा। नीतीश राणे का कहना यह है कि मैं मालेगांवकर से माफी नहीं मांगूंगा, मैंने जो कहा है मैं इस बात पर ठाम हूँ, इस बात पर कायम हूँ, क्योंकि जिस मालेगांव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हो क्या उसे मिनी पाकिस्तान क्यों ना कहा जाए। लेकिन अगर मालेगांव शहर में पाकिस्तान जिंदाबाद की घोषणाएं अगर दी गई है तो क्या इसका कोई भी सबूत या कोई भी एविडेंस नीतीश राणे के पास मौजूद है क्या? अगर मालेगांव शहर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे अगर लगे हैं तो मालेगांव शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन में इसकी FIR दर्ज हुई है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल है। नीतीश राणे के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। जिस तरीके से उन्होंने मालेगांव में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की बात कही है इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम आने वाले वक्त में इस पर अलग अलग लोगों का स्टेटमेंट भी लेंगे और खंगालने की खोजी पत्रकारिता करने की कोशिश करेंगे कि मालेगांव शहर के किसी भी पुलिस स्टेशन में इस प्रकार की कोई भी फरियाद दाखिल हुई है या किसी पर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के नारे लगाने का गुना दाखिल हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी भी खोजी पत्रकारिता के जरिए आप तक सच्चाई पहुंचाएंगे। वहीं शान हिंद और आसिफ शेख के माफी मांगने के बयान पर भी उन्होंने कहा कि आसिफ शेख का ताल्लुक का पाकिस्तान से है, इस बात की जांच भी करना पड़ेगी, देखना पड़ेगा।